हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो आज इंग्लैंड ने एक तरीके से इतिहास रच दिया है और फाइनल में जगह बना ली है स्पेन के साथ। और लास्ट मिनट पे वॉटकिंस के गोल ने पूरा गेम चेंज कर दिया, जो कि लग रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, क्योंकि तो नेदरलैंड्स ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी। नेदरलैंड्स की बात करें तो दावी साइमंस ने 7वीं मिनट पे गोल कर दिया था और फर्स्ट हाफ में हमें लग रहा था कि काफी ज्यादा अच्छा आगे जा सकते हैं, लेकिन 18th मिनट में पेनल्टी मिलती है इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन को, जो उन्होंने कन्वर्ट करी। तो 1-1 से पूरा फर्स्ट हाफ चल रहा था। सेकंड हाफ में भी देखें तो नीदरलैंड्स ज्यादा अटेम्प्ट्स ले रही थी, वहीं इंग्लैंड की बात करें तो वो ज्यादा गेम पोजेशन उनके पास था, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो अटेम्प्ट्स जो है वो नीदरलैंड्स के दिख रहे थे, लेकिन टारगेट पे शॉट्स नहीं थे। वहीं इंग्लैंड के जो शॉट्स थे वो टारगेट पर थे, तो वो हमें ज्यादा अंतर देखने को मिला। ओवरऑल गेम की बात करें तो 7 शॉट्स लिए थे नीदरलैंड्स ने, वहीं इंग्लैंड की बात करें उन्होंने 9 शॉट्स लिए। शॉट ऑन टारगेट में इंग्लैंड के 5 थे, पोजेशन गेम भी पूरा था और पासेस भी देखिए एक्यूरेसी सब में इंग्लैंड आगे थी, लेकिन नीदरलैंड्स अगर हम सेकंड हाफ में देखें तो मोस्टली चांसेस बना रही थी, जिसमें वर्गोस का नाम भी आता है, गाकपो, 2-3 प्लेयर्स थे जो अच्छा प्ले कर रहे थे। और ओवरऑल अगर हम गेम में देखें तो फिर जो लास्ट में वॉटकिंस का गोल आता है, जो कि हम हैरी कीन की जगह आए थे और पामर आए थे फिल फोडन की जगह, और ओवरऑल भी देखें तो ट्रिपियर, साका, माइनो, इनका भी रोल देखा जाता है, क्योंकि साका ने भी बहुत अच्छे क्रॉसेस बनाए थे। लास्ट में जो था वो भी बहुत ही शानदार क्रॉस मिला था वॉटकिंस को, जिसमें वो और गोलकीपर और डिफेंडर 3 लोगों का ही मेन था उसमें। अगर हम देखें टीम के अंदर बाकी प्लेयर्स बाहर थे, तो बहुत ही ज्यादा शानदार मूव की लास्ट मिनट पे हमें गोल देखने को मिला वॉटकिंस से, जिससे गेम चेंज हो गया। और अब अगर हम देखें तो इंग्लैंड वर्सेस स्पेन के बीच में हमें देखने को मिलेगा यूएफए यूरो 2024। स्पेन की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा मैच फ्रांस को हरा के आए और इंग्लैंड यहाँ पर हराकर आ रही है, तो दोनों के बीच में किस तरीके से अब रहता है सेमीफाइनल के बाद फाइनल, ये देखना पड़ेगा। मोस्टली अगर अगर आपको हमारे ये वाला हाइलाइट्स पसंद आया तो स्पेन वाला हाइलाइट्स भी देख सकते हैं, वो मैं आपके लिए इन्फो कार्ड में लगा दूंगा वीडियो। तो ये दोनों मैचेस आप देखें तो बहुत ही ज्यादा शानदार मैच 2-1 पर ही खत्म हुए, जिसपे इंग्लैंड ने बीट किया नीदरलैंड्स को। वहीं स्पेन की बात करें तो उन्होंने भी सेम 2-1 से बीट किया था। अब फाइनल जो है होने वाला है 14 जुलाई को, तो उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए डीएनए को, और आपको हमारा लाइव सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएनए।